नमस्कार, मैं पीएन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेहित पीएन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 की एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी के रिगार्डिंग आरटीआई लगाया गया था, तो उसका रिप्लाई आ चुका है। एक्साइज इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसका डाटा हमारे पास आ चुका है। आपको इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी, यानी कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। और ये आपके लिए अच्छी खबर है कि सीजीएल 2022 से काफ़ी ज़्यादा है ये डाटा, यानी कि 2022 की कंपेयर में एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं और अभी कुछ स्टेट की वैकेंसी नहीं आई है। तो वो वैकेंसी जब रिपोर्ट हो जाएंगी तो ये वैकेंसी का डाटा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके अलावा ओवरऑल सीजीएल 2022 में जिस तरीके से वैकेंसी आपको देखने को मिली, यहाँ पर भी आपको इसका जो वैकेंसी का सिनेरियो है वो ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, उससे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कहीं ना कहीं आप एक सीट ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कंप्लीट जो डाटा है वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, सीजीएल 2022 की वैकेंसी ये और सीजीएल 2023 की वैकेंसी ये। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखो यहाँ पे 2022 में वैकेंसी कितनी थी एक्साइज इंस्पेक्टर की, 1113 वैकेंसी। उसके अलावा तो जो 23 है उसमें कितनी वैकेंसी है, 1134। अभी इतने यहाँ जहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, इन स्टेट की वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। अभी लखनऊ की रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। उसके अलावा भोपाल की रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं चंडीगढ़ की रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। उसके अलावा जयपुर की रिपोर्ट हो गई है, बड़ोदरा की रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है, बड़ोदरा की रिपोर्ट नहीं हुई है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि बेंगलोर की आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, बेंगलोर की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। इसको एक बार मिटा लेते हैं फिर बनाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका चंडीगढ़ की जो है अभी रिपोर्ट नहीं हुई है वैकेंसी, ठीक है। उसके अलावा बड़ोदरा की रिपोर्ट नहीं हुई है, बेंगलोर की रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा भुवनेश्वर की रिपोर्ट हो चुकी है और चेन्नई की अभी रिपोर्ट होना बाकी है, ठीक है। उसके अलावा गोवा की रिपोर्ट होना बाकी है, ठीक है। उसके अलावा गुवाहाटी की रिपोर्ट होना बाकी है, ठीक है। हैदराबाद की वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, रांची की रिपोर्ट होना बाकी है, ठीक है। बाकी आपका तिरुवनंतपुरम की वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है और इसकी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि टोटल अभी कितने जगह बची हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेट में अभी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट होना बाकी है, जिसमें चेन्नई जो जोन है उसमें काफ़ी अच्छी आपको वैकेंसी हमेशा देखने को मिलती है। जो मुंबई रीजन है और चेन्नई रीजन है, यहाँ पे हमेशा हर साल आपकी वैकेंसी अच्छी खासी रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो अभी वैकेंसी का सिनेरियो इससे ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख लो कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 2022 में केवल 78 वैकेंसी थी, यहाँ पे आपकी 100 वैकेंसी है। उसके अलावा मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर है, मुंबई में पहले 2022 में 406 थी, यहाँ पे 526 है। जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, 2022 में केवल 4 वैकेंसी हैं, क्योंकि दिल्ली पोस्टिंग सभी को चाहिए होता है कि दिल्ली में ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि दिल्ली में अगर एक बार पोस्टिंग आपको मिल जाती है तो दिल्ली में रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके। तो दिल्ली में इस बार 2023 में 49 वैकेंसी हैं। जो जयपुर वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि 2022 में केवल 7 थी और यहाँ पे 51 है। तो आप स्टेट जब दोगे, अपना स्टेट प्रेफरेंस दोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें ये चीज़ आपके काम आएगी कि जैसे मान लेते हैं आप यूपी के हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं है तो आप दिल्ली दे सकते हो प्रेफरेंस अपना, ठीक है। उसके अलावा जयपुर दे सकते हो कि जयपुर में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे बेंगलोर में कितनी वैकेंसी है, 65 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर आप ये देख सकते हो हैदराबाद में पहले 2022 में केवल 6 वैकेंसी थी, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी मुंबई के बाद रिपोर्ट हुई, यहाँ पे 314 वैकेंसी, ठीक है। उसके अलावा 48 और ये 71, बाकी आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख सकते हो कि कितनी कितनी है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि अभी वैकेंसी का सिनेरियो 2022 को क्रॉस कर गया है, 2022 से ज़्यादा वैकेंसी और अभी ये 8 जगह की वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को वैकेंसी मिलेंगी केवल एक्साइज इंस्पेक्टर में। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कैडर रिस्ट्रक्चर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अभी जो आरटीआई आ रहे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। अभी जब नोटिफिकेशन आएगा आपकी वैकेंसी, फाइनल जो वैकेंसी है, जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक की आपकी वैकेंसी टेंटेटिव रहती है। तो वैकेंसी का सिनेरियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो मन लगा के प्रिपरेशन करिए। बस आपको एक अपनी सीट चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। वैकेंसी वैकेंसी खेलना बहुत ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पे कि इतनी वैकेंसी इतनी वैकेंसी, मैं आप सभी को एक जो
क्लियर कट एडवाइस है वो ये देना चाहता हूँ कि इन सब का पचड़ा आप छोड़ दीजिए, आप फोकस अपना प्रिपरेशन पे करिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर और टाइपिंग ने काफ़ी हालत ख़राब कर दी बच्चों की। तो जो 2022 वाले एस्पिरेंट गलती कराएं वो आपको नहीं करनी। बाकी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैकेंसी का सिनेरियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा हम मतलब बात नहीं करेंगे, वैकेंसी आपकी 2022 से ज़्यादा ही रहेंगी ये आप मान के चलो, ठीक है। अभी ढेर सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है, इनकम टैक्स में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएंगी। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ASO एंड CSS की वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है 982, जो कि 2022 के इक्वल ही है, बाकी आप सब भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये वैकेंसी का डाटा धीरे धीरे आपका आ रहा है, ठीक है, और नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद और भी अपडेशन होगा वैकेंसी में। और गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस है वो आप लोगों पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपकी कराई जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। तो वैकेंसी के सिनेरियो में जो 2023 का ईयर है वो काफ़ी आपके लिए गोल्डन ईयर होने वाला है, अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और आपका जो पूरा फोकस है वो अब इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। कितनी वैकेंसी रहेंगी फाइनली आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा आपका, आपके पास से क्या जाता है, ठीक है, ये आपको क्या अभी क्या मिल जाएगा। अपनी जब प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी आपको कुछ हासिल होगा, ठीक है। तो फोकस किस बात पर करना है, प्रिपरेशन पर करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं भी इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊँगा कि वैकेंसी इस मतलब कोई एक पोस्ट मान लेते हैं, किसी की वैकेंसी रिपोर्ट हो गई, किसी स्टेट की वैकेंसी रिपोर्ट हो गई, तो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट वही देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए और प्रिपरेशन करिए अगर आपको सिलेक्शन वाकई में चाहिए, वो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको एक बेहतर गाइडेंस दिया जा सके, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स की क्लास जो है वो बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली। हम लोग यहाँ पर देखो पूरा मेरा फोकस ये है कि मैथ्स में आपको किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेते हो और उसके अलावा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनकी अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा फोकस है कि हम डेली जो लाइव क्लास करेंगे उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वो लाइव क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फोकस प्रिपरेशन पे करिए, ठीक है। बाकी वैकेंसी का सिनेरियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।